आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया कि दिखाए गए परिपथ में धारिता सी एवं प्रतिरोध का आर प्रतिरोध का, यहाँ पर आर कर लेना बच्चों, प्रतिरोध आर का एक एसी स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा हमारा आर और ये हमारा सी, है ना। इस पर वोल्टता जो है वो वी वन है ना, और जो इस पर वोल्टता है बच्चों वो वी टू है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये है हमारा वी वन, ये है हमारा वी टू बच्चों, ठीक है। हमसे बोला गया है कि वोल्टमीटर ए एवं अमीटर है, ठीक है। ये अमीटर ए ये दिया गया है, यहाँ पर ये एसी वोल्टता दे दी गई है। हमसे बोला गया कि अब निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, ए का पाठ्यांक एवं वी टू का पाठ्यांक सदैव समान कला में है। दूसरा, वी वन का पाठ्यांक वी टू के पाठ्यांक से सदैव अग्रगामी है। तीसरा, ए का पाठ्यांक एवं वी वन का पाठ्यांक सदैव समान कला में है। तो इन कथनों में से कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। चार विकल्प आपके पास में है, ये हमारे पास में अ, ये हमारे पास में ब, ये हमारे पास में स और ये हमारे पास में बच्चों द। ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में इसके लिए जब हम लोग परिपथ बनाते हैं तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो धारा जा रही है वो जा रही है I, है ना। अब ये किसमें श्रेणी क्रम में है, तो सभी में से जो धारा जाएगी बच्चों, इसमें से भी, यहाँ से भी आई जाएगी और इसमें से भी कितनी जाएगी बच्चों, आई ही जाएगी। यानी कि धारा की दिशा तो सब में सेम है। तो जब हम लोग इसका फेजर चित्र बनाते हैं तो फेजर के अंदर ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली जो दिशा है वो मान लेते हैं ये किसकी है बच्चों, आई की दिशा है, है ना। और जो हमारे पास में जो प्रतिरोध होता है, इसके सिरों पर जो वोल्टता होती है बच्चों, वो हमेशा धारा की दिशा में होती है ना। ये वाला फेजर डायग्राम तो आपने सीखा ही होगा, है ना। ये तो पूरा का पूरा हमारे चित्र में आता है, यानी कि ये वाला जो है हमारे उसमें ही है, सिलेबस में है। ये वाली कौन सी हो जाती है हमारे पास में, वी आर, है ना। जो आर के सिरों पर वोल्टता होती है, विभवांतर होता है, वो कितना दिया गया है आपको, वी टू दिया गया है। ये दिया गया है बच्चों वी टू, है ना। और हमारा जो आरएलसी परिपथ होता था बच्चों, अगर आपको याद हो तो एल क्या होती थी बच्चों, इससे 90 डिग्री आगे होती थी। लेकिन यहाँ पर एल तो है ही नहीं, यहाँ पर सी है, और जो सी होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है धारा की दिशा से। तो यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, जो सी होगा हमारा वो कुछ इधर की तरफ में होगा, है ना। ये कौन सा है हमारे पास में, ये है वी सी होता है, जो कि हमारे को कितना दिया गया है, सी के ऊपर वोल्टता वी वन दी गई है, जो कि इससे 90 डिग्री पीछे है। तो यही हमारा बच्चों चित्र है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से सारे के सारे विकल्प देखते हैं कि ए का जो पाठ्यांक एवं वी टू का पाठ्यांक सदैव समान कला में है का। भैया ए का पाठ्यांक, ए कौन है हमारा, ये रहा धारा, है ना। तो धारा का पाठ्यांक तो ये वाला इधर का है ना। और वी टू का पाठ्यांक, वी टू कौन सा है, ये वाला। तो वी टू का पाठ्यांक भी तो इसी दिशा में है बच्चों, ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में, यानी कि समान कला में है। यानी कि जो हमारा पहला है बच्चों, ये वाला तो कैसा हो गया बच्चों, सत्य हो गया। अब दूसरा, वी वन का पाठ्यांक वी टू के पाठ्यांक से सदैव अग्रगामी है। भैया वी वन का पाठ्यांक जो है वी टू के पाठ्यांक से अग्रगामी नहीं है बच्चों, पश्चिमगामी है। ध्यान से देखो, पीछे की तरफ है। यानी कि ये कैसा हो गया हमारा बच्चों, असत्य हो गया, है ना। और जो ये है कि ए का पाठ्यांक एवं वी वन का पाठ्यांक सदैव समान कला में है, नहीं बच्चों, ए का पाठ्यांक तो इधर है, ये रहा आई का, है ना, और वी वन का पाठ्यांक इधर है, 90 डिग्री पीछे है, यानी कि समान कला में नहीं है। तो ये भी असत्य हो गया बच्चों। तो जो हमारा केवल सही विकल्प है वो है एक। तो केवल एक वाला जो है अ जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा बच्चों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।